नमस्कार मित्रों, संप्रेषण विषय पर इस वार्ता श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टिल नाउ वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड एंड मोस्ट ऑफ इट आई हैव ट्राइड टू रिकैपिचुलेट वेरी ब्रीफली हियर। संभवतः आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि हर बार जब मैं आ रहा हूं तो मैं उससे पिछली बार से संबंधित बातें बहुत ब्रीफली शुरुआत में बोलता हूं। ये भी दरअसल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है और मेरे जीवन का तजुर्बा भी रहा है, चाहे मैंने क्लास में हो या उससे पहले और अपने विभिन्न इंडस्ट्रीज में, कि अगर हम कुछ अंतराल के बाद कुछ बातें चाहे करें या सुने, अगर उससे संबंधित जानकारी हमें हल्का सा याद आ जाए या दिला दी जाए तो हमारे लिए तारतम्य या कड़ी या कनेक्शन बैठाना आसान होता है। तो बहुत ही ब्रीफली आपको फिर से एक बार याद दिलाते हुए, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण यानी विचार एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना, मैं आपको याद दिला दूं कि विचार हमारे अंदर भी होते हैं, अपने आप को भी हम देते हैं, लेकिन वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जैसे हमने बात की थी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन जानवर भी करते हैं और संभवतः पेड़ पौधे भी करते हैं, वो भी हमारी जरूरत के बाहर है। हम एक बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं इस सीरीज ऑफ टॉक्स में। वी आर नॉट डूइंग अ वेरी हाई एंड काइंड ऑफ थिंग बिकॉज द पर्पस हियर इज नॉट टू कवर एनी सिलेबस और कोर्स पर्टेनिंग टू व्हाटएवर स्ट्रीम ऑफ स्टडी यू माइट बी एंगेज्ड इन फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्टूडेंट्स। इरादा यहां पर यह है कि चाहे आप छात्र हो, गृहिणी हो, किसी भी तरह के व्यक्ति हो, जीवन में कुछ भी करते हो ना करते हो वगैरह, चूंकि संप्रेषण इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम चाहे ना चाहे संप्रेषण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हमारे जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। खैर, तो हम इस मेरा इरादा यह है कि मैं आपको संप्रेषण के बारे में इतना बता दूं मोटा मोटी ब्रॉडली कि उसके बाद आप खुद ही उसमें आगे विचार करने लग जाए, मनन करने लग जाए, उसको खुद अपने जीवन में ढालने लग जाए एज अ स्किल, और आप उस पर आगे अगर रुचि होगी तो आप आगे और जानकारी बढ़ाते जाएंगे। तो हमने महत्व पे बात कर ली, इंपॉर्टेंस हमने इंट्रोडक्शन पे भी कर लिया है छोटा सा कि व्हाट इट इज, खाली सूचना का ट्रांसफर नहीं है, वो सूचना को हम भाव भी मानते हैं, विचार भी मानते हैं, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हो गई। उसके उपरांत हमने जो बड़े बड़े प्रकार थे तीन बड़े प्रकारों में विभक्त कर लिया, और भी बहुत सारे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका हमने हल्का सा आइडिया ले लिया, इंट्रापर्सनल वर्सेस इंटरपर्सनल, जो एक व्यक्ति के अंदर हो या एक से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे दो हो दो से ज्यादा हो। दूसरा, शाब्दिक और गैर शाब्दिक। गैर शाब्दिक जैसा कि मैंने आपको बताया था ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर हम आज फिर बात करेंगे। गैर शाब्दिक पर मैंने आपको बताया था कि विभिन्न रिसर्च स्टडीज के अनुसार ओरल यानी बोलने वाले कम्युनिकेशन के दौरान भी, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन कह रहे हैं, हम नॉन वर्बल नहीं कह रहे हैं, गैर शाब्दिक नहीं, शाब्दिक में भी शब्दों का महत्व या इंपॉर्टेंस शायद 10-20% या 25% है, कम से कम 3/4 या उससे ज्यादा गैर शाब्दिक है। तो शाब्दिक कम्युनिकेशन में गैर शाब्दिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गैर शाब्दिक चूंकि अपने आप में बहुत वृहद फील्ड है, अतः हमने उस पर ज्यादा चर्चा नहीं की थी, वो आप जैसे ऐसे खुद समझ पाएंगे, वो बेहतर होगा। फिर हमने ये तीन टॉपिक्स और लिए थे, स्टेप्स, प्रोसेस, एलिमेंट्स, और हमने देखा था कि ये तीनों में यही चीज कॉमन है, ये तीनों में मौजूद है, बट उसको अलग अलग तरह से हमने देखा था। ये जो स्टेप्स है, जब एक पर्टिकुलर श्रृंखला या क्रम में किए जाते हैं तो प्रोसेस बन जाती है, और ये एलिमेंट्स वो हैं जो क्रूशियल है, जो बेसिक कम्युनिकेशन के हैं। तो उसमें एक आइडिएटर होता है, एक व्यक्ति है जिसको आइडिया आ रहा है, वो उसको एनकोड कर रहा है, एनकोड करके उसको मैसेज में कन्वर्ट कर दे रहा है और फिर उसे ट्रांसमिट कर रहा है। हम बात कर चुके हैं जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसके भी दो एस्पेक्ट है। यही आइडिएटर या सेंडर या एनकोडर डिसाइड करता है कि मैं इसको शब्दों के माध्यम से भेजू मैसेज को या गैर शाब्दिक भेजू। तो ये इमीडिएट मीडियम हो गया, चैनल हो गया। अगर मान लीजिए शब्दों के माध्यम से भेजना है
तो बोल के भेजू, बोल के भेजना है तो टेलीफोन पे भेजू, रिकॉर्डिंग करके भेज दू, टीवी पे भेज दू, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर रिसीवर भी जो व्यक्ति है वो डिकोड करता है। अब मैंने आपको बताया था एनकोडिंग और डिकोडिंग अगर अलग अलग कीज हैं, अगर जो आपने विचार को मैसेज में कन्वर्ट के लिए की यूज की है, अगर रिवर्स में वही की इस्तेमाल नहीं की जाएगी तो आइडिया नहीं पहुंचेगा, बिकॉज अंततः ब्रेन आइडिया समझता है। तो आइडिएशन और हमारा पर्पस क्या है कि वो आइडिया ट्रांसफर होना चाहिए, तो डिकोडिंग करता है और इंटरप्रेट कर देता है। डिकोडिंग की मैसेज से आइडिया मिल गया, फिर उस आइडिया के बारे में क्या करना है, हाउ टू रिस्पॉन्ड, कि एक काव्य पाठ पर अंडे मारने हैं या तालियां बजानी है, ये इंटरप्रिटेशन हो गया, मीनिंग असाइन करता है। और जो फाइनली निष्कर्ष निकलता है वो फीडबैक लूप के माध्यम से वापस सेंटर तक भेजता है। ये तो प्रोसेस है, ये इन तीनों में कॉमन है। इसके अलावा दो एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया था, बेसिक कम्युनिकेशन इतना ही है, लेकिन ये दोनों बहुत बहुत क्रूशियल है। संभवतः इन सबसे मिलाकर जितना महत्व है उतना ही इनका भी महत्व है। पहला है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। जो ये व्यक्ति आइडिया को पहले आइडिया आ रहा है वो भी संदर्भ में ही है, संदर्भ में प्लेस, टाइम, परसेप्शन, स्टेट ऑफ माइंड, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह। एक ही परिस्थिति में रिस्पॉन्स के रूप में दो अलग अलग व्यक्तियों या दो से ज्यादा लोग व्यक्तियों को अलग अलग आइडिया आ सकता है। ठीक है, आपको क्लास में डांट पड़ी, पूरी क्लास में डांट पड़ी, मान लीजिए आप लोग 50 लोग हैं उस क्लास में छात्र, संभव है कि 50ों के दिमाग में उसका अलग अलग आइडिया रिस्पॉन्स के रूप में अलग अलग आइडिया है। खैर, तो ये कॉन्टेक्स्ट। दूसरी बात यही होता है जब वो मैसेज में कन्वर्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति एक अपने हिसाब से उसको मैसेज में कन्वर्ट करेगा, अगेन कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस। और फिर मैंने आपको बताया था इस पूरी प्रक्रिया में हर जगह अवरोध हो सकते हैं और होते भी हैं। हर प्रक्रिया में, आइडिएशन में भी नॉइज या अवरोध हो सकते हैं, एनकोडिंग में हो सकते हैं, मैसेज क्रिएशन में हो सकते हैं और मैसेज ट्रांसमिशन में हो सकते हैं, डिकोडिंग में हो सकते हैं वगैरह वगैरह, फीडबैक में भी हो सकते हैं, सब जगह। और हमने देखा था कि जो नॉइज या अवरोध यानी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन या बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ मोटे मोटे महत्वपूर्ण प्रकार, जैसा कि हमने यहां कहा था, हम खाली ज्यादा महत्वपूर्ण वालों बातों पर बात कर रहे हैं, बाकी आप इस पर आगे बात बढ़ा सकते हैं। एनवायरमेंटल, आसपास माहौल कैसा है, फिजियोलॉजिकल, शारीरिक, अगर आपके कान में फोड़ा हो रखा है तो सुनने में परेशानी होगी ना, तो दैट इज अ बैरियर। या मेरे दांत में बहुत दर्द है तो मैं बोलने में लटपटाऊंगा, साफ नहीं बोल पाऊंगा, उच्चारित कर पाऊंगा, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बाधित होगा। सिमेंटिक, जब दो या दो से अलग अलग लोग एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब होने की वजह से अलग अलग मतलब निकालते हैं, वही शब्द डिक्शनरी में आपने खोला उसके 5 मतलब हैं, आपका आशय उस शब्द को यूज करने का मतलब नंबर 1 था और सामने वाले ने उसको मतलब नंबर 3 मान लिया, अर्थ का अनर्थ हो गया, हो सकता है। यानी कि सिंटैक्टिकल, ग्रामर की कमियां, अलग अलग जिसे बोलियां कहा जाता है या डायलेक्ट्स कहा जाता है, हिंदी भाषा मान लीजिए वही है, तो एक ही शहर में अगर आप अलग अलग मोहल्ले में जाएंगे तो अलग अलग तरीके से उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रामर के रूल्स जो स्टैंडर्ड है उनका अलग अलग प्रयोग हो सकता है, उससे भी अलर्ट हो जाते हैं। कल्चरल, मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि कई ऐसे कल्चर्स हैं विश्व में अलग अलग देशों में जहां पर एक दूसरे को मिलते समय चूमना अभिवादन का एक बिल्कुल एक्सेप्टेड नॉर्मल तरीका माना जाता है, कहीं और पर उसको बड़ा जघन्य अपराध के रूप में देखा जा सकता है। अरब में जैसा सुनने में आता है कि वहां ट्रेडिशनल जो बद्दू या बेदाउइन ट्राइब्स रहे हैं उनकी यह पुराना सिस्टम ही था, एक बहुत बड़ी थाली में चाहे 7 हो चाहे 12 हो, सब उस बड़ी थाली में एक साथ ही एक हाथ डाल के साथ साथ खाना खाना, ये वहां का रिवाज है। कल्चरल डिफरेंस, तो वो किसी और कल्चर में कुछ और होगा। ऐसे ही इमोशनल, आप गुस्से में है, नाराज में है वगैरह वगैरह। जेंडर, स्त्री पुरुष, दो लड़के आपस में मिलते हैं, दोस्त हैं तो गाली देके एक दूसरे से मिलते हैं और वो गाली देना ही उनके भावनाओं का एक एक्सप्रेशन होता है, जबकि वो अपनी साथ की जो लेडीज होती हैं मित्र या क्लासमेट्स उनके साथ गाली नहीं देते हैं, वो कोई खास बात नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। ये लिस्ट अनएंडिंग है। अब इसको हम एक
दूसरे संदर्भ में समझते हैं। पहले मैं इसको हटा दूं, ये सारी चीजें हमने करी हैं, तो हमने करी क्यों है? हम आज संभवतः चौथी बार बातचीत कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो कर क्यों रहे हैं बातचीत? कोई तो कारण होगा। कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कम्युनिकेशन बेसिक है। हम अगर ये नहीं भी जानेंगे तो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, लेकिन हम संभवतः इसको जान लेंगे तो हम कम्युनिकेशन का बेहतर उपयोग कर पाएंगे अपने अपने जीवन में। और वो खाली करियर से संबंधित ही नहीं है, तो ये सारी चीज हमने क्यों जानने की कोशिश क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम अगर ये नहीं भी जानेंगे तो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक, संभवतः उसका पूरा पोटेंशियल जो उससे हमको प्राप्त हो सकता है फायदा, वो हम उठाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम ये जान लेंगे और उसको अच्छी तरह, उसके महत्व को, उसके नुआंसेस, उसकी बारीकियों को समझ लेंगे, तो हम अपने जीवन में, अपने पर्सनल जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, उसको बेहतर कर पाएंगे। सो व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन इज फॉर अस टू बी एबल टू पुट दैट अंडरस्टैंडिंग टू यूज फॉर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। यानी कम्युनिकेशन के बाद अब हम आए, यानी संप्रेषण के बाद अब हम आए प्रभावी संप्रेषण पर। ये पूरी श्रृंखला चर्चाओं की, वार्ताओं की इसलिए थी कि हम ये बैकग्राउंड या बेसिक समझने के बाद इन सब का प्रयोग करते हुए ज्यादा प्रभावी तरह से कम्युनिकेट कर पाए और अतः अपने जीवन को बेहतर बना पाए। सो व्हाई, जैसे हमने वहां शुरू किया था, द इंपॉर्टेंस, व्हाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेसेसरी, और उसके महत्व क्या है? आफ्टर ऑल, मैंने जैसा आपको पहले भी कई बार कहा है, हम चाहे न चाहे, जाने न जाने, कम्युनिकेशन तो हम कर ही रहे हैं, बट व्हाई, वो भी मैंने भी आपको ब्रीफली समझाया है। लेकिन यहां एक बहुत बहुत ही इलोक्वेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्टेटमेंट मैंने ली इयाकोका साहब का यहां पर लिखा है। ली इयाकोका साहब 1980 के दशक में बहुत नामचीन, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, व्यक्ति रहे हैं। वो अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री में थे, पहले फोर्ड कंपनी में थे, उसके बाद वो क्राइसलर कंपनी में, उस समय क्राइसलर कंपनी तब की बहुत बड़ी कंपनी थी, और वो बंदी की कगार पे थी, उसकी स्थिति बहुत खराब थी। वो आए और उन्होंने शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी, उसके साथ एक जादू कर दिया। इसी वजह से उनका इतना नाम हुआ। वो कंपनी जो बंदी की कगार पे थी, वो रिकॉर्ड प्रॉफिट देने लग गई। इस वजह से इनको बहुत बड़ा, ऑटो इंडस्ट्री के पुरोधा तो मैं समझ सकता हूं, बात सही है, लेकिन इन्हें वैसे भी एक मैनेजमेंट थिंकर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काम भले ही वहां किया हो, किंतु उसका असर और जीवन के एस्पेक्ट्स में भी इन्होंने अपनी बुक्स में दिया है। तो इनका स्टेटमेंट है, यू कैन हैव ब्रिलियंट आइडियाज, बट इफ यू कांट गेट देम अक्रॉस, योर आइडियाज वोंट गेट यू एनीवेयर। इसका तर्जुमा मैं मोटा मोटी अगर करने का प्रयास करता हूं, आप, हमने बात शुरू की थी, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद आइडिएशन, सो यू कैन हैव द बेस्ट आइडियाज इन द वर्ल्ड एवर पॉसिबल, सर्वोत्तम विचार आपको आ सकते हैं, लेकिन वह विचारों का कोई भी प्रयोग कर पाना सिर्फ तभी संभव है जब वो पूर्णता के साथ आप दूसरों तक पहुंचा पाए। तो यू कैन हैव ब्रिलियंट आइडियाज, आप सर्वोत्तम विचार हो आपके पास हो सकते हैं, किंतु इफ यू कांट गेट देम अक्रॉस, अगर उनको आप बाकी इंसान या और इंसानों तक पूर्णता के साथ बिना गलती के नहीं पहुंचा पाते, योर आइडियाज वोंट गेट यू एनीवेयर, वो आइडियाज से आपको कोई फायदा नहीं होगा, मतलब वो आइडियाज का होना न होना व्यर्थ है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट परमिट्स अस टू यूज आवर आइडियाज इन अ प्रोडक्टिव वे। आखिर इंसान और जानवर या पेड़ पौधे या निर्जीव वस्तुओं में फर्क क्या है? कि इंसान के बारे में उसकी इंटेलेक्ट, उसकी इंटेलिजेंस, उसका दिमागी शक्ति उसको बेहतर बनाती है,
और वह दिमागी शक्ति से क्या होता, आइडियाज आते हैं एक बेसिक लेवल पर, और वो आइडियाज का प्रयोग अगर आपको करना है तो आपको कम्युनिकेशन में निपुण होना पड़ेगा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर इफेक्टिवली आप नहीं कर रहे तो आप उन आइडियाज को पूर्ण रूपेण से अपने फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हो गया महत्व, व्हाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देन व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस पर अब हम आते हैं। दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज दैट विच प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड रिजल्ट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, एकदम बेसिक लेवल पर। प्रभावी कम्युनिकेशन क्या है? प्रभावी कम्युनिकेशन वह है जिससे जो सेंडर चाहता था असर हो, वह असर हो पाए। देखिए, ध्यान रखिए, हमने मैंने पहले भी इससे फर्क बातें भी कही हैं, वो सब बातें इसी से डिराइव होती हैं, निकलती हैं। मैंने कहा था समाज की भलाई के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक टेक्निकल लेवल पर देखें तो समाज की भलाई, सेंडर चाहता था समाज की भलाई हो और समाज की भलाई हो जाए, जिस कम्युनिकेशन से, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। या मैं आपको एक छोटा सा और अपने पर्सनल जीवन से संबंधित एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अपने जीवन में, क्लास में, मित्रों में, परिवार में वगैरह वगैरह, अगर हमारा एम यह है कि मैं सामने वाले को, मैं मान लीजिए किसी विषय में अच्छा हूं या किसी टॉपिक में अच्छा हूं और मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूं, मेरा दोस्त या मेरा भाई या बहन व्हाटएवर उसमें थोड़ा कमजोर है गणित में या जो भी चीज है, तो अब डिपेंड कीजिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा। अगर मेरा एम यह है कि मैं उनकी मदद कर पाऊं तो कम्युनिकेशन एक तरह से करूंगा मैं, कैसे कि जो वो कमजोर है पढ़ाई में उनके लेवल पर जाके जो उनको समझ में आ पाए। लेकिन सोचिए, सेम परिस्थिति है, मैं सेंडर हूं, सामने सेम रिसीवर है, वही टॉपिक है, वही बातचीत हो रही है, कोई भी टॉपिक है, अगर डिजायर्ड रिजल्ट है उसका ज्ञान अर्जन बढ़ना, संज्ञान बढ़ना, तो मैं एक तरह से कम्युनिकेशन करूंगा। लेकिन अगर रिजल्ट यह है कि मैं वहां उसकी मदद ना करना चाहूं और फिर भी मेरी मजबूरी हो कि कम्युनिकेट करूं, कोई मेरे पास आ गया कि भाई पढ़ा दे और मुझे उससे अंदर ही अंदर जलन है या ईर्ष्या है या नफरत है या जो भी है और मैं ना पढ़ाना चाहूं, तो मैं समय उतना ही लगाऊंगा। लेकिन मैं जानबूझ के इस तरह से एनकोडिंग करूंगा या ऐसा कम्युनिकेशन करने का प्रयास करूंगा कि उसको कम से कम फायदा हो। ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन दोनों केसेस में हुआ और दोनों केसेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ। द डिफरेंस कहां था कि डिजायर्ड रिजल्ट क्या था। अगर रिजल्ट यह था कि सामने वाले का या रिसीवर का भला हो तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कुछ और है, और सामने वाले का बुरा हो तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कुछ और है। दोनों इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। सो बाकी जितनी चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेशन से संबंधित हम अभी तक बात की और आगे बात करेंगे, वो सब की कसौटी यह है कि सेंडर का डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, कि वो क्या करना चाहता है। एटम बॉम्ब से संबंधित जो विचार बहुत पहले बहुत सारे साइंटिस्ट्स को आया पिछली सदी के पूर्वार्ध में, वो कम्युनिकेट ऑब्वियसली हुआ तभी उस पर, तो उसमें उससे बम भी बना और उससे पावर प्लांट भी बने, बिजली भी बनी। लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट, और दोनों सही कम्युनिकेशन के लेवल से, कम्युनिकेशन के पास कोई मोरालिटी नहीं होती है, दोनों सेम है। लेकिन जहां डिजायर्ड रिजल्ट बम बना के मारना था वो भी सही इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, और जहां पर बिजली उपार्जित करना था वो भी था। अतः डिजायर्ड रिजल्ट जिस तरह से प्राप्त हो वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और उसके लिए क्या जरूरी है, देखिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरी प्रक्रिया में मैसेज, नॉइज भी, सब कुछ चीजें मैं समझ रहा हूं, वो आप भी समझ रहे हैं। लेकिन इंसान क्या है, दो है, कौन, जो आइडिएटर ऑब्लिक एनकोडर ऑब्लिक सेंडर, और दूसरा इंसान कौन है, रिसीवर ऑब्लिक डिकोडर ऑब्लिक इंटरप्रेटर। बाकी सारी चीजें तो यही दोनों कर रहे हैं, तो ये बहुत क्रूशियल है।
सो बोथ द सेंडर एंड रिसीवर हैव टू असाइन द सेम कोड. हमने बार 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 यही कहा है कि जब आइडिया को एनकोड करके मैसेज बनाया जा रहा है तो एक कोड असाइन हो रहा है, चाहे वो शब्द हो चाहे गैर शाब्दिक हो, भावों से, एक्सप्रेशन से. मैंने आपको बताया था इसके भी बहुत 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 तरीके होते हैं, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स वगैरह वगैरह, टोन ऑफ वॉइस, पिच ऑफ वॉइस, स्पीड, हाथ पैर चलाना. मैं आज जो आपसे बातचीत कर रहा हूं ये सारी चीज गैर शाब्दिक है, जबकि मैं आपसे बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूं. तो बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर हैव टू असाइन द सेम कोड, अन्यथा सही मतलब और पूरा आइडिया ट्रांसफर नहीं होगा. दूसरा पॉइंट, रिसीवर हैज टू केयरफुली रिसीव ऑल दैट इज सेंट. माना कि यहां पर एनकोडिंग बहुत अच्छी हुई और डीकोडिंग भी उसी की के साथ हुई, लेकिन मान लीजिए इतना मैसेज भेजा गया और बीच में बिकॉज ऑफ वेरियस नॉइजेस या बैरियर्स उस मैसेज का 20% हिस्सा पहुंचा ही नहीं, यह रजिस्टर नहीं किया, कान में सुना रिसीवर ने लेकिन उसमें ध्यान नहीं दिया. तो क्या हुआ, जो 100% मैसेज भेजा गया उसमें से सिर्फ 80% मैसेज रिसीव हुआ, उसकी डिकोडिंग भी सही हुई लेकिन मैसेज तो पूर्ण रूप से नहीं पहुंचेगा ना. सो ये दो बहुत अहम कंडीशंस हैं कि कोडिंग एंड कोडिंग की सेम हो और रिसीवर पूरा पूरा मैसेज रिसीव करे. यहां पर बैरियर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, जैसा कि हमने पिछली बार काफी विस्तार से समझा था. अब द वाई, द इंपॉर्टेंस, महत्व, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों, तो ये हम समझे, क्या है यहां समझे, और जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है तो क्या प्राप्त होता है. एक तो होता है कि डिजायर्ड रिजल्ट आता है, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट के अलावा क्या होता है, सेंडर्स आइडिया reaches the receiver completely. जैसा मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया, जो पूरा पूरा विचार आइडिएशन के दौरान सेंडर के दिमाग में आया था वो पूरा पूर्ण रूप से 100% रिसीवर के दिमाग तक पहुंचा और गलती भी नहीं हुई, यानी 100% भी पहुंचा और उसमें 102% नहीं पहुंच गया कि फालतू भी कुछ पहुंच गया, द पूरा मैसेज पहुंचा. सो दिस इज द वाई, द वॉट. अब हम इसके ब्रॉड कॉन्टूअर्स के उपरांत इसके 2 डिटेल्स पर जाएंगे. जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, इस पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में 2 इंसान हैं, ठीक, और इंसान ही हैं जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बाकी ऑफकोर्स नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, जैसे बैरियर्स हो रहे हैं वो इंसान भी कर सकते हैं और इंसान ना करें तो भी है, प्लस कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं, इंटरनेट है, टीवी है वगैरह वगैरह, वहाँ इंसान नहीं है. तो ये जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं या बैरियर्स उनके हो रहे हैं, इसका निराकरण कर कौन सकता है, इंसान ही कर सकता है, और तो कोई कर नहीं सकता है. तो अतः अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव करना है तो सेंडर के लिए भी कुछ बातें जानना और प्रयास करना जरूरी है, और रिसीवर के लिए भी. सिर्फ सेंडर प्रयास करे रिसीवर ना करे तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावी संप्रेषण होने की संभावना कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा. तो हम देखते हैं कि इन लोगों को क्या जानना और क्या इनकी रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है. सेंडर को एंश्योर करना है मैसेज क्लैरिटी. एक, एम्पैथी विथ रिसीवर. 2, एंश्योरिंग credibility of message. 3, or seeking feedback.
ये काम तो सेंडर को करने हैं, अब रिसीवर को क्या करने हैं? जैसा कि मैंने आपसे बोला, सिर्फ सेंडर ही प्रयास करे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तो जरूरी नहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए, रिसीवर को भी प्रयास करना आवश्यक है। रिसीवर का क्या है? बी अटेंटिव एंड ट्रूली लिसनिंग। इस पर मैं आऊंगा अभी, आपको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इस पर जोर क्यों दे रहा हूं। हियर कंप्लीटली एंड क्लियरली, इंटरप्रेट what is said as well as what is not said। मैं आपको समझाता हूं ये सारी बातों से क्या मतलब है। And provide feedback, देखिए ये सेंडर के काम है, ये रिसीवर के काम है। जब दोनों पूरी मनोयोग से ये काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो मैसेज कौन जनरेट कर रहा है? सेंडर ऑब्वियसली। उसे ध्यान देना है कि जो वो मैसेज जनरेट कर रहा है वो क्लियर हो। कंप्लीट तो ऑब्वियसली, अगर आइडिया पूरा वो कंप्लीटली भेजेगा नहीं मैसेज में, तो हम तो वो देख ही चुके हैं। लेकिन उसके अलावा, कंप्लीट होने के अलावा क्लियर भी होना चाहिए। मैसेज में सिंटैक्टिक एरर, सिमेंटिक एरर, ये सारी चीजें जो हमने बात की है ना, जो बैरियर्स है, तो मैसेज क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो आप भेज रहे हैं, अगर उसके दो या तीन मतलब निकल सकते हैं, तो भरपूर संभावना है कि जो इसका आशय है भेजने वाले का और जो उससे समझा रिसीव करने वाला, दोनों में फर्क होने की संभावना है। इसलिए मैसेज हैज टू बी वेरी क्लियर, जिसके एक से ज्यादा मतलब न निकलते हो। इससे मैसेज एनकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे, एम्पैथी विद रिसीवर। रिसीवर के जूते में पैर अगर सेंडर नहीं डालता या डाल पाता, तो मैसेज के एनकोडिंग में गड़बड़ होने की भरपूर संभावना है। मैंने आपको इसी श्रृंखला में पहले एक बार एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या बहुत निपुण है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल में कोई खराबी आ जाती है, या कार में, आप जाते हैं एक मारुति की एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, साइकिल ठीक कराने के लिए आप गली मोहल्ले के कोने में एक मिस्त्री, जो बहुत काबिल मिस्त्री है, उसका बहुत नाम है, लेकिन उस मिस्त्री को वो टर्मिनोलॉजी नहीं आती। काम वो अच्छा करके देगा रिपेयर करने का, लेकिन उसको वो अगर आप उसकी भाषा में नहीं समझाएंगे, एम्पैथी विद द रिसीवर, उसके जूते वो जो समझ पाए उस भाषा में, उस तरह से अगर आप नहीं समझाएंगे, अगर आपने एंगुलर मोमेंटम, फ्रिक्शन और ये वगैरह वगैरह टर्म्स यूज किए, तो वो आपका बात ही नहीं समझेगा। जब बात नहीं समझेगा तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, जब कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा तो आपके मन का काम कर नहीं पाएगा, अंत में आपका मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। सो एम्पैथी विद द रिसीवर। क्रेडिबिलिटी ऑफ मैसेज, इससे आप क्रेडिबिलिटी मीन विश्वसनीयता, हो सकता है आप जो कह रहे हो वो, ये भी एक तरह से एम्पैथी विद रिसीवर ही है, हो सकता है जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही हो फैक्चुअली, किंतु आपको इस, अगर आपने कुछ इस तरह से बात की कि जो रिसीवर को, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप सुदूर किसी, मान लीजिए बस्तर के या किसी सुदूर एरिया में जाते हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न एजुकेशन से वंचित हैं लार्जली, और आप उनसे कहते हैं कि ये भगवान की बात व्यर्थ है, या ओझा आपके जो है व्यर्थ है, आपने मतलब उस तरह से नेगेटिव तरीके से कहा, और आप ये गोली खाओ, ये दवाई खाओ, इससे आपको सालाना बीमारी दूर हो जाएगी वगैरह, जो भी उनके जीवन की कोई बड़ी परेशानी है,
अगर आपने उनके विश्वासों, उनके दृढ़ विश्वासों के खिलाफ नेगेटिव बात कही, तो उनको विश्वास नहीं होगा आपके मैसेज पर। वो भले ही नाराज भी हो सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो आपसे आपकी बात सुन लेंगे लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपको यह ध्यान देना है कि मैसेज क्लियर हो, और क्लियर कब होगा, प्लस आप रिसीवर के साथ एम्पैथी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जिस तरह से आप अपने मैसेज को एनकोड करेंगे, मोल्ड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, वो उन लोग को लगेगा कि हाँ। तो आप भले ही ये इनडायरेक्टली घुमा फिरा के कहें कि ये ओझा को मत मानो, लेकिन ये कहना कि ओझा अनपढ़ है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, अतः ये करो, तो वो विश्वसनीयता नहीं रहेगी मैसेज में, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगेन मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे आप लिखित कम्युनिकेशन करें या ओरल कम्युनिकेशन करें, फीडबैक आपको मांगना चाहिए, बहुत आवश्यक है। वैसे फीडबैक देना इसकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम लोग कम्युनिकेशन करते सब हैं, सब कॉन्शियसली जानते भी हैं, लेकिन चूंकि हम में से बहुत सारे लोग उस बारे में कभी सोचते नहीं है, कॉन्शियसली नहीं करते, तो फीडबैक के बारे में भी हम नहीं सोचते। तो जब आप कम्युनिकेट करें, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपने गौर किया हो, शुरू में मैंने आपसे कहा था, मैं शुरुआत से पूरा ब्रीफली रिकैपिचुलेट करता हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें सब आ जाए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि एग्जाम्पल्स और भाषा के माध्यम से ज्यादा लोगों के ग्रहण क्षमता और ग्रहण करने के तरीके के हिसाब से बात करूं, कस्टमाइज करूं अपने। और मैं आपसे फीडबैक तो नहीं ले सकता बिकॉज हम लोग कैमरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर इसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए या फर्दर डिटेल्स आपको प्राप्त करनी, आप प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट का प्रयोग करके, किताबों का प्रयोग करके। और बार बार आपको यह भी बता रहा हूं कि जब आप वो ले तो किताबी ज्ञान न ले, उसको असल जीवन के पैमाने या कसौटी पर कसे, तो मैं भी वो प्रयास कर रहा हूं। सो सीकिंग फीडबैक इज वेरी वेरी क्रूशियल। इधर जो रिसीवर है उसकी क्या जिम्मेदारी है, ही हैज टू बी अटेंटिव एंड ट्रूली लिसनिंग, ध्यान देने की। जैसे क्लास में हम बैठे होते हैं, दिमाग ये है कि मुझे शाम को पिक्चर जाना है दोस्तों के साथ, और लेक्चर चल रहा है फिजिक्स का, एक्स वाई जी, वो जो भी हो रहा है, हम अटेंटिव नहीं है। तो ऑब्वियसली वो आपके एक टीचर ये सारी चीजों को फॉलो करे, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इसमें तो आगे बताने की जरूरत ही नहीं, हम सब समझते हैं। कई बार हम इनअटेंटिव होते हैं, जैसे हमने बैरियर की बात की थी, अगर हम बहुत क्रोध में है, गुस्सा किसी और पर है घर पर, लेकिन हम रिसीव नहीं कर रहे हैं। सो अटेंटिव एंड ट्रूली लिसनिंग, ये भी उससे जुड़ा हुआ है, और इससे भी जुड़ा हियर कंप्लीटली एंड क्लियरली। देखिए, हियरिंग मींस कि आपके कान में आवाज पड़ गई, लिसनिंग मींस कि आपने उस आवाज को कॉन्शियसली ध्यान से कन्वर्ट किया मीनिंग में, और मनन किया और डीकोड किया। सो खाली सुन लेने से विचार का ट्रांसमिशन नहीं होगा। सो यू हैव टू हियर पूरा पूरा। इसमें बैरियर भी आ सकते हैं, तो मगर से शोर आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको अगेन एज एन इंसान अपने टीचर को आप बोलते हैं कि सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, ये बीच में पंखा है बहुत तेज, या तो तेज बोलिए या मैं आगे आ जाता हूं। सो यू हैव टू हियर कंप्लीटली क्लियरली, सो दैट जो 100% मैसेज भेजा गया है वो पूरा 100% पहले आप सुने और लिसन करें, कान में पढ़ने के उपरांत उसको दिमाग तक जाए, उस पर मनन करें। इंटरप्रेट व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज नॉट सेड। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, हियर कंप्लीटली, पूरा पूरा सुने, 100% मैसेज ग्रहण करें। लेकिन कई बार हमारे जीवन में, इस पर मैं विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मनन करेंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा बारीक है। हम कई बार कहते हैं बिना शब्दों के, या हम कुछ बात जब कर रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा ओमिट कर देते हैं, सोचकर हम कहते नहीं। ये नाजुक मसलों में अक्सर देखा गया है कि माँ बाप का अपने बच्चों से जब बातचीत हो रही है, कुछ बातों को वो नहीं कहते लेकिन बिना कहे भी कह देते हैं। तो वह भी काम है रिसीवर का
कि इंटरप्रेट व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज नॉट सेड. व्हाट इज सेड तो इंटरप्रेट करना ही आपको, तो नॉर्मल बेसिक कम्युनिकेशन है. लेकिन व्हाट इज नॉट सेड एंड व्हाई इट इज नॉट बीइंग सेड, जबकि वो कहा जाना चाहिए था, उसको भी आपको जहन में रखना है. एंड ऑफ कोर्स प्रोवाइड फीडबैक. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये जिम्मेदारियां हैं सेंडर की, ये जिम्मेदारियां हैं रिसीवर की. इसके अलावा एक दो मुद्दे दोनों को समझने की जरूरत है. ये तो अलग अलग हो गई. एक दो मुद्दे ये समझने की जरूरत है कि ये समझे कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. तो सेंडर ये समझे कि खाली मैं इकलौता कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं, रिसीवर भी कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा है. और ऐसे ही रिसीवर भी समझे कि खाली मेरा मैं इकलौता हिस्सा नहीं हूं. सो बी अवेयर, बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ टू वे प्रोसेस. फिर जो मैंने कहा ये चीज एम्पैथी विद रिसीवर है ना, कुछ हद तक तो एम्पैथी इसके भी होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई 70 साल या 65 साल के प्रोफेसर साहब बहुत जेन्युइन इंक्लिनेशन से कुछ ऐसा भी कह रहे हैं जो थोड़ा अखर रहा है 20-22 साल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो वो प्रोफेसर साहब के जूते में पैर डाले ना कि वो उनसे उम्र में 40-50 साल पहले, एक जेनरेशन गैप हो सकता है. तो ये इनको समझे और ये इनको समझे. सो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक तरह से. और आखिरी में ये समझना जो बार 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 मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि शब्द और शब्द के अलावा जो हिस्से हैं वो दोनों का सम्मिश्रण से ही, जो आप लिख भी रहे हैं, आपसे कहा जाता है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग सुस्पष्ट होगी, अच्छी होगी, शब्दों में इंक के बहुत फालतू दाग नहीं होंगे, तो आपको एग्जाम में मार्क्स बेटर मिलेंगे. वो क्यों? क्योंकि शब्द एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, लेकिन शब्द गैर शाब्दिक कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है. इस मुद्दे को मैं अभी एक्सपैंड कर रहा हूं और लिंक कर रहा हूं जो इस वार्ता श्रृंखला की पहली वार्ता में हम लोगों ने बातचीत की थी कि कम्युनिकेशन हमको लगता है शब्दों से होता है, लेकिन जहां पर गैर शाब्दिक कम्युनिकेशन तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो गैर शाब्दिक है ही, जहां शाब्दिक कम्युनिकेशन है वहां पर भी गैर शाब्दिक एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इसको मिटाकर उस पर एक थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं. The communication equation मैं 2-3 बार आपको बोल चुका हूं कि कम्युनिकेशन में, खासतौर से ओरल कम्युनिकेशन में, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन संभवतः 3/4 या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हुई, कहीं पर 60 किसी को लगा है, किसी को 90 लगा है, बट मोटा मोटी मैं आपको बताऊं कि जो एक रिसर्च के बारे में जो मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव दे रहा हूं, उससे आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया लगेगा. व्हाट इज हर्ड इज इक्वल टू 40% ऑफ द मैसेज. What is seen is equal to 50% of the message, and words, shabd, is equal to barely 10% of the message. देखिए आप, यहां हम बात कर रहे हैं एसेंशियली शाब्दिक कम्युनिकेशन की. मैं आपसे शाब्दिक कम्युनिकेशन कर रहा हूं और मेरे शब्दों का टोटल मैसेज में कंट्रीब्यूशन बमुश्किल 10% है.
15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वो अलग है, लेकिन मुद्दा आप देखिए बेरली 10% जो हम जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो 90% है। अब आप कहेंगे कि जो मैं सुन रहा हूं शब्द ही तो सुन रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं आप सुन क्या क्या रहे हैं। शब्दों के अलावा आप मेरी आवाज के उतार चढ़ाव को भी तो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना, साथ साथ आप देख क्या रहे हैं, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये सारी चीजें गैर शाब्दिक है। इस तरह से जो इवन इन एन ओरल कम्युनिकेशन 90% इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ एस्पेक्ट्स दैट आर नॉट वर्ड्स। अब मैं अपनी वार्ता श्रृंखला के ऐसे दौर पर मुकाम पर आ गया हूं जहां एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी तरफ से मैंने आपको दे दी है इस पूरी प्रोसेस की, उसके जरूरत भर के कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। वो कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई करना यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में आपको बता दिया है। इसमें ये एक समुद्र है, कोई भी विषय अपने आप में एक समुद्र होता है और ये तो मल्टीडिसिप्लिनरी है और जीवन के हर एस्पेक्ट में लगता है। गणित कहीं कहीं लगाएंगे, ये तो आप सोते जाते अपने साथ बातचीत करते हर जगह लगा रहे हैं। सो मुझे बड़ी खुशी होगी और जो मेरा आशय है कि आप इन सारी जानकारियों को आत्मसात करें, ये जो वार्ताएं हैं इनको एक से ज्यादा बार सुनें और आपके जीवन में जब बढ़ता जाए घटनाएं घटित होती जाए इस सारी जानकारी को उधर लिंक करें, धीमे धीमे आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कम्युनिकेशन के बारे में। और अगर प्रभु चाहेंगे तो आगे हम इसके और एस्पेक्ट्स पर, इसके स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पर, जैसे द सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन एक एस्पेक्ट है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन दूसरा एस्पेक्ट है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डिटेल्स तीसरा एस्पेक्ट है। ये सब इंशाल्लाह होता जाएगा, लेकिन जरूरत भर का मुझे लगता है कि इन चार वार्ताओं के माध्यम से मैं आपको दे पाया हूंगा। शांति से मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।